हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़ीशान अहमद और आप इस चैनल पे आ चुके हैं। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि है लॉकडाउन और कोरोना वायरस से संबंधित। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस चीज़ को जानें और समझें। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और आप सबसे पहले इस चीज़ को जानें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या है। कोविड-19 कोरोना वायरस, दुनिया जहां इस महामारी को झेल रही है वहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था यहां पर लॉकडाउन में पड़ी हुई है। पर एक ऐसा देश भी है स्वीडन जहां पर कोई भी लॉकडाउन नहीं लगा। क्या रीज़न है, क्या वहां कोरोना वायरस नहीं फैला या फिर क्यों वहां पे ऐसा करा गया, उसके एक तथ्य को जानेंगे हम इस वीडियो में। बात करें अगर स्वीडन की हम तो स्वीडन में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो उस पेंडेमिक को सीरियसली नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल, वो इस पेंडेमिक को सीरियसली ले रहे हैं, पर एक और नज़रिया भी है इस पेंडेमिक से लड़ने का। आपने देखा होगा जहाँ तक आजकल का सवाल है, दुनिया के विभिन्न देश अपने लॉकडाउन में छूट दे रहे हैं, मीन्स वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं, ताकि जो आम जनता जो आज तक लॉकडाउन में थी, रह रहकर परेशान थी और उसके एक ऊपर जो मानसिक तनाव था, उस तनाव को, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए। सो स्वीडन में ऐसा ही कहा गया, स्वीडन में ऐसा इसलिए करा गया ताकि वहाँ की जनता को पैनिक ना हो। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को रेगुलेटरी से अप्लाई करा गया। ऐसा क्यों करा गया वहाँ पे इतनी जनता को ट्रस्ट क्यों है अपनी सरकार पे और सरकार को क्यों ट्रस्ट है जनता पे? अगर एक अनुमान लगाया जाए तो स्वीडन का GDP का 40% भाग वहाँ का रेवेन्यू टैक्स होता है, जबकि बात करें इंडिया की तो वहाँ पे 10%। यानी स्वीडन में लोग ज़्यादा ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं, मीन्स गवर्नमेंट को ज़्यादा मानते हैं और गवर्नमेंट भी अपनी जनता का उतना ही ध्यान रखती है। एक और रीज़न भी है स्वीडन में लॉकडाउन न लगने का। वहाँ पर एक अनुमान के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रति एक व्यक्ति 18 से 19 साल का व्यक्ति अपने माता पिता से अलग रहता है, मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंट रहता है। वहाँ पर एक ऐसी भी सीख देने की बात है कि वहाँ पर सबसे पहला काम जो होता है वो किसी व्यक्ति विशेष को सेल्फ इंडिपेंडेंट करना होता है, अकेले रहते हैं। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को पहले से ही फॉलो किया जाता है, वहाँ पे लोग आपस में मिलते हैं जुलते हैं पर सोशल डिस्टेंसिंग को पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। एक डेटा के अनुसार अगर बात करें तो स्वीडन में जो जनसंख्या घनत्व है वहाँ पर 24 पीपल रहते हैं प्रति एक वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर में, और जबकि इंडिया में ये दायरा है 464 किलोमीटर प्रति व्यक्ति जो रहते हैं वो रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस देश का है तो बात करेंगे मोनैको सिटी, जो कि स्टेट ऑफ मोनैको का है। वहाँ पर एक वर्ग किलोमीटर में 2600 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। सो आप देख सकते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी कम है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पहले से ही फॉलो करते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट में फेथ है ताकि गवर्नमेंट की जो बात को हर कोई मानता भी है। वहाँ पर टैक्स पेयर ज़्यादा है, वहाँ पर ईमानदारी ज़्यादा है, वहाँ पर खुशहाली ज़्यादा है, वहाँ पर सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पहले से ही लोग आइसोलेशन की स्थिति में रहते हैं। 17% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन द स्टेट ऑफ आइसोलेशन इन स्वीडन। सो इसलिए वहाँ पर लॉकडाउन को पूरी तरीके से अप्लाई नहीं किया गया। लॉकडाउन वहाँ पर है, वहाँ पे गाइडलाइंस है, मीन्स रेस्टोरेंट खुले हैं, स्कूल्स खुले हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही है। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर आप टेक अवे सर्विस ले सकते हैं, जाकर खाना लेकर आ सकते हैं। सोशल गैदरिंग सारी बैन है, सारे जितने भी आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं वो सारे बंद हैं, पर वहाँ पर फिर भी लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो चाहते हैं कि जो भी परिस्थिति है वो उसे आप मेंटली प्रिपेयर करें। मेंटल एक हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे इंडिया में नहीं। जैसे कि आपने अगर देखा, अभी इंडिया में अगर लॉकडाउन होता है तो सब एकदम से परेशान, लोग भाग रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पर उसका कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेंटल हेल्थ का इशू है। और स्वीडन में मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए ऐसा करा गया। जैसे अब यहाँ पर छूट मिल रही है, हर देश अपने ही लोगों को छूट दे रहा है, तो वैसे स्वीडन में वहाँ पहले से ही है। 10 मिलियन आबादी है स्वीडन की, 4000 से ज़्यादा केस हो गए हैं, 1700 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। पर अब देखना है कि ये फॉलो आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये प्रोसीजर जो है वो सही है या गलत। पर फिलहाल अब तक इस जंग में स्वीडन की जीत हुई है, क्योंकि वहाँ पर लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं, अभी भी मस्त होकर घूम रहे हैं, टेंशन नहीं है उनमें, कोई लॉकडाउन की स्थिति नहीं है उनमें कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे नॉर्मल चलता था, बस कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है। और ऐसे ही हमें कोरोना के साथ अब रहना पड़ेगा, अब जीना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना जल्दी जाने वाला नहीं है। इसकी दवा का अभी तक के कोई पता नहीं चल पाया है, बहुत सारी दवाएं ट्रायल में चल रही हैं, हिट में चल रही, कुछ को ह्यूमन
रिजल्ट के लिए वेट करा जा रहा है, पर अभी तक कुछ भी सॉलिड प्रमाण नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा, क्योंकि यही इसका एकमात्र प्रैक्टिकल सोल्यूशन है।